ये है अनुपमा का नया आशियाना। जी हाँ, अनुपमा अमेरिका तो पहुंच गई है, लेकिन मुंबई में ही ये देखिए अमेरिका बसाया गया है। और न्यू ईयर के इस मौके पर सेट पर रखी गई एक पार्टी, भैया पार्टी रखी थी शो के प्रोड्यूसर राजन साही ने और उनकी मम्मी दीपा साही जो इस शो की प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने रूपाली को दिया एक सरप्राइज, भैया अपना अवार्ड उन्होंने रूपाली को डेडिकेट किया। राजन साही और दीपा साही की एक खास पेशकश रूपाली के दिल को छू गई और देखिए अनुभवा के अंदाज में कैसे उन्होंने इन दोनों का शुक्रिया किया। फीडबैक सभी का जब आता है एक अच्छा, और फिर उसके बाद जब फैमिली का आता है वो ऑफकोर्स ज़्यादा मायने रखता है। मेरे लिए जब फीडबैक यहाँ से आता है तो बहुत बहुत मायने रखता है। माई हस्बैंड, माई फैमिली एंड ऑफकोर्स हिम, इट मैटर्स अ लॉट। सो इतने दिनों से जो ये हमारा नया पड़ाव शुरू हुआ है अमेरिका का, और कुछ मतलब आ नहीं रहा था कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, और ही इज़ नॉट दैट ओल्ड, बट मुझे इनमें समहाउ आई फाइंड माई फादर्स क्वालिटीज इन हिम, सो आई एम वेरी 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 अटैच टू हिम। वन सेकेंड, आई एम वेरी अटैच टू हिम। सो व्हेन देयर वाज नथिंग कमिंग फ्रॉम हिम, तो मैं रोज सर को बोलती हूँ व्हाई इज़न्ट ही कमिंग ऑन द सेट, आई यूज़ टू आस्क हिम व्हाई इज़न्ट ही कमिंग ऑन द सेट, व्हाट इज़ इट, व्हाई इज़ ही एंग्री, व्हाट इज़ हैपनिंग, ही इज़ नॉट इवन कम टू सी द सेट, व्हाई इज़न्ट ही कमिंग। एंड आज इस तरह से वो आए हैं सरप्राइज लेकर, मेरे लिए तो सबसे बड़ा सरप्राइज ये है, आई एम फॉर हर टू कम ऑल द वे, इट मींस अ लॉट, इट मींस अ लॉट। आंटी, मॉम का मन था कि मैं खुद रूपाली को मिलूं, उसे वो अवार्ड डेडिकेट करूं, और थैंक यू फॉर बीइंग आवर अनुपमा एंड मेनी मेनी मोर इयर्स ये चलता रहे, शो अच्छा रहे। एंड मॉम, यू वांट टू से समथिंग? यस, माय ब्लेसिंग्स टू हर ऑलवेज, टू द एंटायर टीम ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा, एक तो मुझे यूएसए का वीज़ा आज सुबह ही मिला, तो मोहम्मद मैं जल्दी से फ्लाइट पकड़ के आ गया अमेरिका, तो एक तो खुशी की बात ये भी है। जोक्स अपार्ट, आज एक सरप्राइज था रूपाली जी के लिए, मॉम दीपा शाही जो प्रोड्यूसर है अनुपमा की, शी वांटेड कि वो रूपाली को मिले, उन्हें फैसिलिटेट करे, उन्हें थैंक यू बोले, और उनको जो एक अभी अवार्ड मिला है ITA के अंदर फॉर अनुपमा एज वुमेन एम्पावरमेंट शो, यू नो शो विच डिपिक्ट्स वुमेन एम्पावरमेंट, मॉम को मिला अवार्ड, बट मॉम चाहती थी कि ये अवार्ड एक इंसान इसका यू नो हकदार है, दैट इज रूपाली, जो फेस है वुमेन एम्पावरमेंट की। ना मांगे, ही गिव सो मच टू ऑल ऑफ अस एक्टर्स, द लीस्ट वी कैन डू इज परफॉर्म, एंड स्क्रिप्ट्स इतनी अच्छी आती है, सीन्स इतने अच्छे आते हैं कि कोई भी एक्टर मेरी जगह पर होता तो अच्छा ही परफॉर्म करता। तो ये इनका बड़प्पन है कि मुझे इन्होंने आज इतनी यू नो इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, आई कांट इवन टेल यू। मेरे लिए इट वाज इमोशनल जस्ट सीइंग हिम ऑन द सेट्स एंड देन टू सी हर इज सोने पे सुहागा। तुमने सारी पोल खोल दी, मैं इंटरव्यू देने वाला कि कैसे डे नाइट मैंने मेहनत करी, सेट पे था, मैंने सेटअप डिजाइन करा था, मैं सबको बोल दिया वो आ रहे हो जब मैं नहीं, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी। इसीलिए मैं सारी अपनी टीम को, पहले रुमेश जी जो हमारे सीरीज एक्टर हर शो के हैं, आरिफ जी जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर सारे शोज के जो पूरा संभालते हैं, हमारे पिलर्स जो है विवेक जी जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर, इंद्रो हुज बीइंग द एंटायर क्रिएटिव यू नो डायरेक्शन एंड दैट टच वुड, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल, एंड ऑफ कोर्स अर्चना जी एंड विनोद जी, माय गॉड अर्चना जी विनोद जी, जो उन्होंने ये अमेरिका 6 दिन में क्रिएट किया ये पूरा सेटअप। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ 6 दिन, सी आई एम द न्यूएस्ट मेंबर इन द शो, तो जब ये अमेरिका वाला बात हुआ था ना, तो हम जा रहे थे, ठीक है हम कहीं भी जा रहे, तो मैं सोचा ठीक है चलो दैट्स द नॉर्मल थिंग टू डू कि हम कहीं जाके 7 दिन 10 दिन शूट करके आते। फिर रातों रात राजन सर डिसाइड लिए क्या नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा लंबा कहानी है, ये 2-3 महीने की कहानी है, तो हमें यहाँ पर सेट क्रिएट करना। और वो जो थॉट ना कि 1 हफ्ते 10 दिन में ये चीज़ क्रिएट हो सकता है, मेरे दिमाग में तो बैठ ही नहीं रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये 30 दिन लगता है। एंड थैंक्स टू सर आरिफ जी, विवेक जी, 3 जो पिलर्स है। और रोज मैं आता था, और पहले दिन में 3 दिन आया ना, कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसे जो फेस है नारी शक्ति की, कि एक ऐसा किरदार, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने सारे इंडिया और इंटरनेशनली में इंडियन वीमेन पावर को डिपिक्ट किया,
सो मॉम भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉम 78 इयर्स की एज में प्रोड्यूसर बनी अनुपमा की वजह से। इसके बाद पूरी यूनिट ने एक साथ तस्वीरें खिंचाई और साल को बाय बाय किया नई अनुपमा की नई कहानी, नए सेट और नई सोच के साथ। तो उम्मीद करते कि नए साल में अनुपमा की नई कहानी, नया सेट और नए किरदार शो की बुलंदियों को बरकरार रखे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।